उसी तरीके से अगर आप ओबीसी कम्युनिटी को देखें जो अभी आए, जिन्होंने मुझे मूर्ति दी, जैसे ही मैंने उनका हाथ मिलाया, अभी का एक्सपीरियंस बता रहा हूं आप, कहां है स्वप्निल कुमार जी, कहां है, कहां है, चले गए, पीछे क्यों, उनको आगे लाइए ना। देखो यही है, पीछे कर दिया, जो हाथ से काम करता है वो पीछे है। तो जैसे ही मैंने इनका हाथ मिलाया, कॉन्टैक्ट होते ही मुझे पता लग गया कि इस हाथ में हुनर है। अब आप देखिए, जिसके हाथ में हुनर है उसको पीछे बैठा दिया, और ये हिंदुस्तान में 24 घंटा हो रहा है, 24 घंटा। जिसके हाथ में स्किल है, जिसके हाथ में कैपेबिलिटी है, जिसके हाथ में एक्सपीरियंस है, चाहे उसे आप नाई कहें, मोची कहें, कारीगर कहें, फैक्ट्री में वर्कर कहें, जिसके हाथ में हुनर है, उसकी हिस्ट्री तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही नहीं, उसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जाता है। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, क्या उनको सहना पड़ा, वो तो है ही नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, पता नहीं शायद आपने स्कूलों में पढ़ा हो, मैंने स्कूल में ना दलितों की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, ना दलितों की हिस्ट्री पढ़ी, ना पिछड़ों की हिस्ट्री पढ़ी, और आज तो उल्टा हो रहा है, आज वो थोड़ी सी हिस्ट्री जो है उसको भी मिटाया जा रहा है। और हिस्ट्री के बिना अपने स्पेस को पहचाने बिना, अपनी लोकेशन को समझे बिना एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं है।